विपक्ष आज भी एक लकीर के फकीर पे चलना चाह रहा है, उसी ट्रेंड्स पे चल रहा है, जो कि वो सिनेरियो को चेंज करे। वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को नई नई लालच देनी पड़ती है, पर मेरे हिसाब से लोग लालचा पे ना जाए, लालच ना करें, एक अच्छा नेता चुने और देश को आगे बढ़ाए। कोई चांस ही नहीं किसी के मुंह से सुन लो राहुल गांधी के लिए, कोई नहीं कह सकता कि हम उसको वोट देंगे। हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा खासा, जैसे राम मंदिर के लिए काफी। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लक्ष्मी नगर में और यहाँ पर सीधे लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं अब की बार किसकी सरकार। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सोनी है। तो सर क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? इस बार मोदी जी की सरकार आएगी 400 पार होगी। अच्छा 400 पार, मतलब विपक्ष तो कह रहे हैं कि 40 भी पार नहीं जाने वाले मोदी जी। सिर्फ उनकी कहने की बात है, उन्हें कहने दो, मगर इस बार मोदी पार लहर उन्हीं की है और उन्हीं की आएगी, और उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई है भी नहीं, कोई नजर में नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी का ही बोलबाला है और वही जीतेंगे। अच्छा, मतलब आप बोलबाला पे जा रहे हैं, उनके किस काम से आप खुश हैं जिस वजह से आप उनको वापस लाना चाह रहे हैं? उनके हर काम से मैं खुश हूँ। अच्छा, काम गिनवाइए। आप देख लो जगह जगह रोड सड़कें हॉस्पिटल्स और क्या नाम है लोन्स वगैरह मिल जाते काफी आसानी से, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो डेवलप हुआ है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनके, देखो उनके नाम कई जगहों पे। लेकिन बोल रहे मोदी जी सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए ही काम करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करते ना, मजदूरों का MSP पे मांगनी उनकी पूरी करी किसानों की? नहीं नहीं, तो MSP पे बात चल रही है और वो लोग क्या नाम है बात करने के तैयार भी हैं, पर वहाँ से भी जवाब नहीं आ रहा, हम तो न्यूज में यही देख रहे हैं। अच्छा, और लेकिन राहुल गांधी तो उनके फेवर में बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आती तो हम MSP पे लागू करेंगे। मतलब देखो जी, विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, वो तो देखो इलेक्शन के लिए जीतने के लिए इंसान बोलेगा ही बोलेगा, वोट किस लिए मिलेगा? कोई ना कोई तो इंसान को प्रस्ताव देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, हम ये करेंगे हम ये करेंगे। जैसे यहाँ पे केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री कर रखा है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं लोगों को इलेक्शन में जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को नई नई लालच देनी पड़ती है। पर मेरे हिसाब से लोगों लालचा पे ना जाए, लालच ना करें, एक अच्छा नेता चुने और देश को आगे बढ़ाएं। आज देश दुनिया में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारा नाम कितना नाम रोशन हो रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे हिसाब से मोदी गुड। मतलब लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो अब केजरीवाल ने हर महिलाओं को 1000 देने की मांग करी है, तो क्या लगता है चुनाव के चक्कर में एजेंडा चला रहे हैं या फिर सच में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं? देखो जी, इसे एजेंडा भी कह सकते हो या क्या ना मदद की भी कह सकते हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी बसों में औरतों के लिए फ्री भी किया है, कुछ चीज़ें तो आम आदमी पार्टी ने काम किया ही है ना, तो हो सकता है पंजाब में भी उसने लोगों पे पैसे दे रहे हैं, सुनने में यही आया है कि हाँ पंजाब में भी क्या नाम है महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं और वहाँ पे बिजली पानी मुफ्त फ्री किया हुआ है। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये सब योजनाओं पे क्यों लागू की जाती है? ये फंडे हैं इलेक्शन में लोगों की नज़रों में आने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए, भाई अच्छी चीज़ें स्कीम बताएंगे उस टाइम पे तो लोग एक्साइटेड होते हैं, हाँ चलो ठीक है काम करने वाले हैं, उम्मीद बढ़ जाती है, तो शायद इसलिए लोग इसी टाइम जाता वो करते हैं। जैसे जॉब वगैरह निकलवा देते हैं कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है जॉब के लिए, ये आ रही है, पूरे 5 साल तो नहीं आएंगे, एंड टाइम में नजर आते हैं। लेकिन रही जॉब की बात आपकी, मोदी सरकार में देखेंगे कि सारी नौकरियों को सारी प्राइवेट करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी आज भी निकल रही है, मेरे भाई हैं वो देख आज भी आए दिन कुछ ना कुछ निकलता रहता है जॉब के लिए, पर वो बात अलग है कि कई बार धाली यूपी में धाली भी हो गई है, क्या नाम है पकड़े गए, वो एक अलग मैटर है, पर एक नौकरियां निकल रही हैं, पर वही अलग अलग फील्ड की जॉब्स हैं, अलग अलग कैटेगरी की जॉब है, तो अगर आप नज़र देखोगे तो जॉब निकल रही है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब निकल रही है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जॉब हुई है, काफ़ी इंडस्ट्रीड आके लग रही है यहाँ पे, तो जॉब है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसका चेहरा देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव? नरेंद्र मोदी का। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों विपक्ष में इतने सारे चेहरे? बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चेहरा नहीं है, किसी में स्टेबिलिटी नहीं है, किसी में वो क्वालिटी ही नहीं है जो एक कंट्री के बारे में पूरा सोच सके, कुछ भी ग्रो कर सके इस चीज़ को, हर कोई अपने सेल्फ के बारे में सोच रहा है, अपने फैमिलीज को लेकर सोच रहा है, यही और क्या, जो एक कंट्री के। हाँ बताइए। लेकिन केजरीवाल को देखे, पूरे देश के बारे में सोच, पूरे दिल्ली को उन्होंने डेवलप कर दिया, उन्होंने अब महिलाओं के लिए फ्री योजना लेकर आया, हर महीने 1000 रुपए देंगे हर महीने को। फ्री देने से बेटर है कि उसको इतने स्टेबल कर दें कि उस फ्री की रिक्वायरमेंट ही ना हो उस चीज़ के लिए, वो स्टेबिलिटी चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए, वो एजुकेशन चाहिए, वो अपने आप में एक क्या कहते हैं स्टेबिलिटी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में, जो एक विजन होना चाहिए, वन नेशन वन कंट्री का विजन होना चाहिए, सेल्फ का नहीं होना चाहिए, वो हर कोई अपने परिवार बात में सोचते हैं, उनका वैसा कोई ऐसा थिंकिंग नहीं है इस चीज़ का, इसलिए ओवरऑल चीज़ें और प्लस जो 10 साल का उनका कार्यकाल था जो देखा गया वो सारी चीज़ें एज पर डिजायर नहीं, रिक्वायरमेंट्स नहीं जनता की, इसलिए उनको वोट दिया जाएगा, वही किया जाएगा। इसके लिए पहले भाजपा मतलब विपक्ष को टारगेट करती थी कि वो फ्री का एजेंडा चलाते, लेकिन आज भाजपा खुद 1 लाख लोगों के घर में सोलर पैनल लगवा रहे हैं फ्री में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं ये भी फ्री का फंडा बना रहे हैं?
नहीं वो फ्री के एजेंट नहीं है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो स्टार्टअप्स में जो लोगों को रिक्वायरमेंट्स होती है यानी उसमें जो पैसे लगेंगे या जो भी लगेंगे तो हर कोई एक मिडिल क्लास या बिलो द मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं करेगा, तो जस्ट लाइक एक सपोर्ट की तरह है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आगे होके वो उस पर डिपेंडेबिलिटी नहीं हो, लेकिन आज बाकी जो विपक्ष के जो भी कर रहे हैं वो फ्री का एजेंडा ही कंप्लीट चला रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरे राउंड से पब्लिक से के जेब से वो चीज ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में। हाल ही में बयान देके पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी ना बांग्लादेश में इतनी बेरोजगारी जितनी दिल्ली में इतनी बेरोजगारी भारत में। देखिये रही बात अगर मैं किसी की कंपैरिजन करता हूं तो आप उस चीज का ना दोनों सिनेरियो में कंपैरिजन करें, हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमारे पॉपुलेशन के साथ जो इंडेक्स आ रहे हैं उस पर कंपैरिजन करें। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की तो क्या होता है विपक्ष हमेशा टारगेट करता है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, गवर्नमेंट जॉब डजंट मीन कि वही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब बची है, पहले भी जितनी सैंक्शन पोस्ट थी वो आज भी सैंक्शन पोस्ट है। ये कह सकते हैं कि पहले के सैंक्शन पोस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो किया तो वो रेशियोज कम लग रहा है, लेकिन सैंक्शन पोस्ट तो उतना ही है, सैंक्शन पोस्ट तो कुछ भी नहीं हटा आज के डेट में। लेकिन बोल रहे मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करे, गरीब लोग जो मजदूर लोग है युवा ऐसे ही भटक रहे हैं आज भी, सिर्फ अमीर लोग और अमीर होते आ रहे मोदी के राज में। ये था कि पहले के समय में हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ होती थी गवर्नमेंट जॉब पे, आज की बात अगर हम करें तो कई सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ही ले, आप एक यूट्यूबर हैं सब कुछ है तो क्या उससे आपकी इनकम्स नहीं हो रही है, हो रही है, कहीं ना कहीं आप डिपेंडेबल तो हैं, बट एक प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया। हम क्या है विपक्ष आज भी एक लकीर के फकीर पे चलना चाह रहा है, उसी ट्रेंड्स पे चल रहा है जो कि वो सिनेरियो को चेंज करे इस गवर्नमेंट, तो उनको ये चीज और एंड और लगता है। मोदी को किस मतलब एजेंडा पे लाना चाहते हैं, क्या चीज आप उनके काम के सारे एजेंडे होते हैं वही सारे, जैसे एजुकेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, कंट्री का वर्ल्ड वाइड जो क्या कहते हैं जितना नाम हो रहा वो हो गया, वर्कआउट्स हो गए, यूथ के लिए हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, सम्मान हो गया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सब चीजों के लिए। मतलब आप देखेंगे किसानों के एमएसपी की मांग को पूरा नहीं किया गया अभी केंद्र सरकार ने, लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे कि हमारी सरकार एमएसपी पे मांग को पूरा करेंगे। वो तो जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष तो बहुत सारे चुनावी एजेंडे को लेकर स्टार्ट करते हैं और बाद में कितना वर्कआउट करेंगे, आप एग्जाम्पल हिमाचल का देख लें, वो वहाँ पे आए कितने एजेंडे थे उस टाइम में कि मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, बट वो जब आए तो वो सारी फाइलें शट डाउन हो जाती है। तो सिर्फ चुनावी एजेंडे पे नहीं जाने चाहिए, एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कौन काम कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसका चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी क्यों विपक्ष में इतने सारे चेहरे भरे? मोदी जी के अलावा सीट पे बैठे ना खाई को आज की डेट में। क्यों केजरीवाल देखो पूरे कंपैरिजन में मोदी के मोदी उनके चक्कर में डगमगाए हुए हैं। केजरीवाल जी को देखो उन्होंने कितना घोटाला करा है और क्या नहीं करा उन्होंने, साबित क्या हुआ है? लेकिन अभी तक नहीं हुआ, हो जाएगा उसमें किसी कोर्ट के ऊपर लोग निर्भर है ना, फैसला आने सब कुछ सामने आ जाएगा, सरकार मोदी की चाहिए बस। लेकिन बोल रहे मोदी जान के मतलब ईडी के संबंध भेजे केजरीवाल को, लोकसभा चुनाव में खड़ा ना हो पाए इसलिए उनको अंदर घसीटा जा रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जो गलत है अगर उन्होंने गलती करी है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, गलती नहीं करी है तो उनको सीट पे बैठने से भी कोई नहीं रोक सकता जिस सीट पे वो है। तो राहुल गांधी का चेहरा ही दिखा जो भारत को न्याय दिला रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में ऐसा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। वो तो सोच रहे प्रधानमंत्री बनने के बारे में? नहीं वो नहीं, उनको सीट नहीं मिल पाएगी, कोई चांस ही नहीं, किसी के मुंह से सुन लो राहुल गांधी के लिए कोई नहीं कह सकता कि हम उसको वोट देंगे। सर क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की 400 पार। मतलब बीजेपी की 400 पार ही क्यों, मतलब बीजेपी क्यों दिख रही है आपको? विपक्ष में इतने अच्छे चेहरे हैं, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, उनके में कोई चेहरा पसंद नहीं आपको? आपको लग रहा है अच्छे चेहरे हैं वो? अच्छा मतलब केजरीवाल देखा कितने महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। मुझे तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। अच्छा ना पानी फ्री मिल पा रहा है ना बिजली फ्री मिल पा रही है, मेरा कमर्शियल बिल ही 10-12 हजार आता है शॉप का, घर का बिल भी 10 हजार आता है, तो वो बेनिफिट मुझे नहीं मिल पा रहा ना। मतलब राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखता, मतलब भारत को न्याय दिलाने पे तुले न्याय यात्रा पे निकले राहुल गांधी इस वक्त? यात्रा ही यात्रा हो रही है और तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। मतलब क्या लगता है व्यूअर सारे वेट थे यात्रा? नहीं उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बट ये है हमारी फॉलोइंग और वोट तो मोदी जी के लिए। मतलब अच्छा मोदी जी के लिए अगर आप जिताना ही चाहते हो तो किस एजेंडा पे जिताना चाहते हैं, क्या चीज उनको देखना चाहते हैं कि ये चीज के लिए हम मोदी जी को लाए? देखो कुछ तो डेवलपमेंट इन द सेंस, अब डेवलपमेंट इन द अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आ जाएंगे तो रोड डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक उन्होंने डेवलपमेंट करी है, और दूसरा क्या सबसे मेन मोटिव तो हिंदुइज्म की तरफ से हम सपोर्ट करते हैं, बाकी तो हिंदू राष्ट्र बना दी इसलिए मोदी जी को लाना चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बना नहीं है अभी, बट ये है कि हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा खासा, जैसे राम मंदिर के लिए काफ़ी लोग बाग एनर्जेटिक रहे और लोग बहुत ज्यादा उससे जुड़े रहे,
तो इस वजह से। लेकिन मोदी जी तो कहते सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हिंदुओं को ही सपोर्ट किया जा रहा है, मुस्लिमों को भेदभाव किया जा रहा है, आपको लगता है सर? क्यों आप देखे मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में भी तो कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए तो मैं थोड़ी ना कह सकता। तो ये थी यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों की नीचे, आपको वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता।